में मैच देखने वालों को कुलदीप कम से डिप्रेट एक्ट श्रेयस अय्यर जा रहे हैं ढोकी से मिलने कैमरामैन इज देयर आज देखने आए हैं एक दिन खेलने भी आएंगे देखो गाइस आपके लिए एक्सक्लूसिव अरे भैया वापस भी नहीं लेंगे भैया फोटो तो ले लो यार देखो हमें कौन मिला सरप्राइज अंकित भाई मिल गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आप लोगों को ऐसे कुछ वीडियो चाहिए तो हम लोग इंडिया पाकिस्तान के सेम लाइव स्क्रीनिंग देखने के लिए जाएंगे तो भाइयों आज है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल ओडीआई और ये होने वाला है फिरोज शाह कोटला पहले बोलते थे अब बोलते हैं अरुण जेटली स्टेडियम तो वहां जाने वाले हैं यस भाई मैच देखा हुआ कभी ओडीआई नहीं देखा एक बार आईपीएल देखने जरूर गया था और भाई मैं अपनी बताऊं तो मैं तो पहली बार स्टेडियम में मैच देखने वाला हूं कोई इंटरनेशनल कोई स्टेडियम में भी नहीं गया मैं आज तक मैच देखने आप सबके लिए एक्सक्लूसिव ये ब्लॉग मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी और बहुत लेट भी हो चुका है टाइम क्या हो गया एक बज चुका है भाई और आप सबको पता होगा 1:30 बजे टॉस हो जाता है और 2 बजे मैच शुरू भी हो जाता है बट मुझे नहीं लगता हम मैच शुरू होने तक पहुंच पाएंगे थोड़ा सा लेट हो जाएंगे क्योंकि हमारे दिमाग में ही नहीं था भाई आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैं सो रहा था मेरे को सुबह फोन आया क्योंकि हेलो गुड मॉर्निंग मैंने कहा गुड मॉर्निंग बोलते मैच देखने चल रहे हैं रेडी हो जा मैंने कहा कितनी जल्दी फिर उसके बाद मैंने एक दो बंदों को मिलाया कि टिकट कैसे मिल सकते हैं मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि कैसे टिकट लेनी है कि कहां से लेनी है फिजिकल मिलती है ऑनलाइन मिलती है तो फिर मैंने थोड़ा 5-10 मिनट लगाए रिसर्च करी उसके बाद आया कि भाई पेटीएम से मिलती है पेटीएम पे हम गए और बहुत ही मुश्किल से 2 टिकट हमें मिली है तो वो लेके अब हम जा रहे हैं टिकट के प्राइस भाई 1000-1000 थे टैक्स वैक्स लगा के 2300-2400 की पड़ी है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो और अभी भाई हम गुड़गांव में ही है भाई एक तो जब लेट हो रहे होते हैं ना तब तो जाम कंपलसरी मिलता ही मिलता है कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पहुंचे ताकि मैच की स्टार्टिंग आप सभी को दिखा पाए फर्स्ट टाइम जिसने भी नहीं देखा हुआ मैच उसके लिए भी फर्स्ट टाइम हम कर देंगे तो यस एक्सक्लूसिव ब्लॉग आई होप आप सभी को पसंद आएगा लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना पिछला पूरा हफ्ता भाई बारिश में ही चला गया कोई मैचेस नहीं हुए हमारे कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ आज बारिश नहीं हुई है पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है और जबरदस्त बारिश हो रही है एपिक जाम ये है दिल्ली का टोल भाई एम्बुलेंस को रास्ता दे दो यार भाई एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए हमेशा कैसा लग रहा हूँ यार है ना एक नंबर के चश्मे कितने के होंगे गैस का 10,000 के करेक्ट आंसर झूठ बोल रहा है हटा देता हूँ ये मैं स्टेडियम के लिए लेके आया हूँ धूप ज्यादा हुई तो अपने पहन लेंगे मूछ कटवा रहा है ना 50K पे भाई स्ट्रगल करते हुए चिप्स खोलने में और अभी हमने हॉटस्टार पे चेक करा है इंडिया ने टॉस जीत लिया है और पहले फील्डिंग है तो बैटिंग देखने को मिलेगी अपने को पूरी इंडिया की बॉलिंग थोड़ी सी छूट सकती है हमारी आधे घंटे के बाकी देखते हैं जाम के हिसाब से भाई जाम तो मिलेगा भाई दिल्ली में आए हैं जाम ना मिले तो दिल्ली किस बात की भाई ये है भाइयों राजा राम मोहन रॉय मेमोरियल हॉल यहाँ पे देख लो ऐसे ये टी शर्ट्स और झंडे वंडे मिल जाएंगे टोपियाँ वोपियाँ मिल जाएंगी और यहाँ से अंदर जाके आपको टिकट मिलने वाली है यहाँ पे जाके आपको टिकट मिलेगी लाइन बहुत लंबी है अंदर यस गया है फिजिकल टिकट लेने तो वो टिकट लेके और फिर हम जाएंगे यहाँ से सीधा स्टेडियम 5 ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं 15 रन 1 विकेट स्कोर है और भाई टी शर्ट यहाँ पे 200-150-250 इन रुपए में ये सब बिक रही है झंडे वंडे भी है 500-600 रुपए के यस आ चुका है ये टिकट मिल गई ये देख लो भाई ये है टिकट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका गेट वेट फलाना जो भी है भाई अब फटाफट से बताते हैं यहाँ पे चलते हैं A few moments later. भाई लाल किला के पार्किंग मिली हमें रोड पे मैं ऐसे ही कहीं पे भी करना नहीं चाह रहा था चलें भाई दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टेडियम
भागो। अभी वार्म अप हो रहा है हमारा और जाके मैच देखना है। मैच देखना है, खेलना नहीं है। 3:30 टाइम हो चुका है, 1.5 घंटा ऑलरेडी लेट है, बट और लेट नहीं होना चाहते भाई। ऑटो वाले भी कह रहे हैं हम 32 तक छोड़ेंगे, तो हम सोचा पैदल ही भाग लेते हैं। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टैंड्स थोड़ा थोड़ा, अभी ऐसा नहीं लग रहा माता के दर्शन करने आ रहे हैं। अरे भाई पसीने आ गए। बोरा स्टेडियम फैन मिला भाई को। आते ही एक बंदा मिल गया भाई जानकार। ये एंट्री हो गई है। अरे भाई साहब कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। शोर सुनिए बस। अच्छा वो है DRS लिया। चल 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 DRS देखते हैं। कुलदीप इज इनटू द अटैक। एक प्लेयर को मैं दिखाता हूँ, ये रहे वॉशिंगटन सुंदर। लेट्स सी क्या होता है। जस्ट अभी कुलदीप को एक चौका लगा है भाई। कैसा लगा स्वीप शॉट? एक नंबर था भाई। उसी की अगली बॉल पे गोल्ड, बढ़िया फेंकी भाई। मैच तो जल्दी खत्म होने वाला है। 73 रन्स एंड 6 विकेट। 30 ओवर हो चुके हैं भाई, 30 ओवर बचे हैं, देखते हैं 4 विकेट। मेरे को नहीं लग रहा 100 रन भी पकड़ेंगे। ओ 5 विकेट तो हम देख ही नहीं पाए। हमारे सामने एक ही विकेट गिरी है। और भाई मैं आप सभी को नेट्स दिखाता हूँ। नेट्स प्रैक्टिस कहाँ पे करती है ये टीम है। वहाँ से हमारी एंट्री हुई थी और वहाँ पे ही नेट्स बना रखे हैं। जो भी टीम आती है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बट जो भी टीम आती है यहाँ पे प्रैक्टिस करती है। और यहाँ पे एक फुटबॉल का भी ग्राउंड है। कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है, तालियां बज रही है, जाके देखेंगे। यहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड है हमारा। ये टॉप फ्लोर, 3rd फ्लोर आ चुका है ये रहा। यहाँ का व्यू आप देख सकते हो। ये देखो गाइस आपके लिए एक्सक्लूसिव। कैमरामैन इज देयर। क्या दिखाते हैं कैमरामैन हमें? सौंदर्य। अब हम आप सभी के लिए सामने का POV लेके आ गए हैं। ये लो भाई डॉच बॉल। जस्ट अभी कैमरा ऑन करा था ग्राउंड में एक एंट्री होते हुए। तू भी भग जा, कूद के चला जा। पूरे श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर जा रहे हैं ढोकी से मिलने। आजा आजा आजा। मैच के साथ यहाँ पे थोड़ा मनोरंजन। ओ भाई आजा 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 आजा। वहाँ जा भाई। डॉगी बेचारे को पता भी नहीं होगा कहाँ हूँ मैं। अभी भी कंटिन्यू डॉगी भाग चुके हैं, भाग गए वो, बाहर चले गए। देखते हुए रास्ता नहीं है, दोबारा अंदर आते हुए। भाई चेज कंटिन्यू। डॉग वांट्स टू प्ले द मैच बट बाहर भेज दिया गया। फाइनली न्यू बैट्समैन कम्स इन। न्यू बैट्समैन इज फॉर्च्यून। और यहाँ पे शहबाज अहमद यहाँ पे ओवर की चौथी गेंद लेके आते हुए 25वां ओवर 93/7। देखते हैं क्या होगा। पहली बॉल फॉर्च्यून को, शहबाज अहमद एक स्लिप के साथ, धवन खड़े हैं स्लिप पे। वो डिफेंस किया बैक फुट पे जाके और डॉट बॉल। कैसी है वाइब? बढ़िया एकदम ग्राउंड की। सोच अगर अंदर खेल रहे होते तो। आज देखने आए हैं, एक दिन खेलने भी आएंगे, ठीक है ज़रूर। बीच में जो खेल रहे होंगे क्या प्रेशर होता है, इतनी सारी ऑडियंस होती है, शोर क्रेजी। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैच देखते हैं। अब कुलदीप आए हैं ओवर के साथ। कवर लग सकता था, कवर ड्राइव इनसाइड आउट मारता ना, सामने आ जाता। हाँ मैं जा रहा हूँ घर, सिखा के आता हूँ इसे। बेटा मस्ते नए। कैसी आई थी? गगन सामान है।
अरे यार थ्रो गलत हो गई। लो भाई फॉर्चून का आज फॉर्चून नहीं था, आउट हो गए। गार्ड लेते हुए संजू सैमसन विकेट कीपिंग, फर्स्ट स्लिप शिखर धवन, लेग स्लिप श्रेयस अय्यर, कुलदीप कम्स इनटू द अटैक, गोल्ड हैट्रिक बॉल वाई नॉट, व्हाट अ बॉल यार, व्हाट अ बॉल, हैट्रिक 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 भाई। दो दो स्लिप लगा लिए, एक लेग स्लिप, एक शॉर्ट मिड विकेट, कुलदीप कम्स इनटू द अटैक, यहाँ पे नेट नहीं आ रहा है तो यस भाई स्ट्रगल करते हुए। फील्ड लास्ट विकेट 94/9 रिवर्स स्वीप चौका, कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा भाई, रिवर्स स्वीप तो है। वन रन क्या स्कोर लग रहा है? 99/9 गाने बजने लगे हैं, 110 मेरे को इसी ओवर में आउट होता लग रहा है। एक विकेट बची है, देखते हैं इसी ओवर में आ पाएगी या फिर नहीं। अरे पैड अप कर फटाफट, पैड अप कर फटाफट, 100 रन मार के आना है। डिसाइडर को तो वन साइडेड बना दिया, कुलदीप यादव 4.1 एक मैडन 18 रन 4 विकेट। ये भाई ये लोग बहुत मेहनत करते हैं यार, इन लोगों के बिना ये मैचेस और ये सब पॉसिबल नहीं हो पाते। सैल्यूट टू एवरीवन एंड गुड जॉब। क्योंकि भाई यहाँ पे भी बारिश हो रही थी 3-4 दिन से, कितने दिन से बारिश हो रही है बताइए, 3 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है, सीटें अभी भी गीली हैं देख सकते हो। काफ़ी अच्छा काम करते हैं, पिच को बनाए रखा, आज बारिश नहीं, आज देखो धूप बढ़िया चमक रही है। वहाँ से पीछे चल के देखते हैं बाकी का मैच, क्योंकि एक इनिंग हो चुकी है खत्म। इंडिया को टारगेट है 100 रन का, 50 ओवर में 300 बॉल है, 100 रन बनाने हैं, जल्दी बना देंगे। मुझे पता नहीं कुछ तो कंट्रोल होता है, लैपटॉप वैपटॉप रखा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल होता है। हाँ यहाँ से कोई भी केबल निकाल दे दो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, रवि विश्नोई। तो अब हम आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर के स्टैंड पे, ये रहा देखो स्टैंड। मोहन ब्लॉग्स देखते हो? कितनी एज कितनी आपकी? 12 ओके, इनको पहचाना आपने? मैच देखने आ रखे हो यार, मैच तो बहुत इजी करा दिया यार तुमने। खेलते हो आप क्रिकेट? खेलते हो? चलो भाई हमारे एक सब्सक्राइबर हैं तो एंजॉय करते हैं, बातें बातें करते हैं और आपको सीधा मिलेंगे इंडिया की इनिंग्स पर। भैया मैं भी पूछ रहा हूं, तेरे पे डिजाइन करते हैं। अरे भैया वापस नहीं मिलेंगे, भैया फोटो तो ले लो यार, भाई मेरी टी-शर्ट दे दे। जैनसन प्रैक्टिस करते हुए, भाई बहुत लंबे हैं भाई। आ चुकी है पैडिंग करने, ओ नो बॉल, गब्बर गब्बर, एक रन। शुभमन गिल इज ऑन स्ट्राइक, ओ कबीर भाई इन भाई का नाम है। कबीर बॉल का छक्का लगाएगा, कबीर
चार रन पहला चौका हिंदुस्तान। पहला ओवर हो चुका है और एक ओवर सात रन और देखो हमें कौन मिला। सरप्राइज भाई सबके लिए सरप्राइज है। अभी एक और आ रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं वो भी। और भाई बहुत बढ़िया लगा भाई से मिलके। जीत रही इंडिया भाई 10 विकेट से, 10 विकेट से कोशिश करेंगे भाई। कितना लंबा है भाई। एक रन Meanwhile, एक जाली का फासला हो गया। अरे नमन भाई की मैंने एक रील देखी थी 9 छक्के वाली भाई। एक इन्फ्लुएंसर अंकित भाई मिल गए, नमन तिवारी मिल गया। हेलो सेम सेम बिग मैन भाई, कूदियो मत कूदियो मत भाई। मैच देखते हुए और एंजॉय कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, इंडिया कौन खेलेगा फिर है? स्कोर हो चुका है 27-0, 4.3 ओवर्स। आप सभी ने टीवी पे देखे होंगे सचिन तेंदुलकर के जो फ्लैग होस्ट करते रहते हैं भाई, सचिन तेंदुलकर पूरा पेंटेड रहते हैं, वो रहे हमें दिख गए हैं। वेव पेंडिंग, लेट्स सी क्या द वन आउट है। नहीं पहुंच गया, पहुंच गया, आउट आउट कर रहे यार। किशन शुभमन गिल एंड ईशान किशन बोथ यंगस्टर्स। ओ क्राउड देख लो मेरा, क्राउड 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 पूरा भरा हुआ है ऑलमोस्ट। अंकित भाई उधर बैठे हैं, अनुज भाई आ गए हैं यहाँ पे। 142.2 किलोमीटर की बाउंस है। ओह चौका भाई, ये तो जस्ट अभी ईशान किशन को आउट दे दिया गया और तभी ईशान किशन ने DRS लिया। लेट्स सी क्या होगा। ओ लग गई ईशान किशन इज आउट। इंडिया नीड्स 3 रन।
आई होप आप सभी को आवाज आ रही होगी मेरी, मजे आ गए मैच देख के जो भी है। बाय बाय स्टेडियम, बाय बाय, वी विल कम सून। अब आईपीएल में मिलेंगे शायद, सब भागेंगे पार्किंग की साइड। री एंट्री नॉट अलाउड। तो भाई मैच हो चुका है खत्म, भी हम जा रहे हैं भाई कहीं पे डिनर पे जा रहे हैं, अंकित भाई और नमन तिवारी, शायद अनुज भी आने वाला है, तो कहीं डिनर विनर करते हैं, पहली बार भाई भाइयों से मिले हैं। द्वारका SYD रूफटॉप कैफे भाई। तो अनुज ब्रो कैसे हो भाई, कैसे हो नमन तिवारी, इनको आप जानते होंगे और किसके व्लॉग में देखते हैं, ये बिग फैन ब्रो, बिग फैन। यस भाई भी है यहाँ पे, भाई हम सारे यहाँ पे गेट टुगेदर, एक छोटा सा गेट टुगेदर और डिनर भी कर लिया है भाई, मजा आ गए। मैच में कैसे मजा आएगी बताओ भाई? मैच में तो जब मजा आया जब गिल आउट हुआ। और ये गिल को देखने आया था, स्पेशली गिल को देखने आया था। गिल आउट हुआ और किसकी वजह से आउट हुआ? ये देख लो, इसने ऐसी काली नजर लगाई, क्या बताएं भाई। मैं आप लोग एक चीज बताऊं, मेरे वैगन में एक मतलब सिमिलरिटी क्या है, देखो सेम फोन देख लो हम भाई, सेम फोन देखो, बिल्कुल सेम कलर भी, सेम इनबिल्ट भी है, मतलब जो स्पेस है वो भी सेम है, 128 GB। कीपिंग शुरू मत कर देना बस, हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते थे, फाइनली एक मतलब अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं, ये ना भाई को पता था ना इन भाई को पता था, हमने इस भाई की स्टोरी देखी थी अनुज भाई की, इनके हाथ में थी टिकट्स, सेम स्टैंड में थे ये, साइड वाले स्टैंड में थे, देखा होगा ब्लॉग में आप सबने। तो भाई बहुत ज्यादा मजा आए भाइयों के साथ, और डेफिनेटली आगे भी कुछ प्लान करने वाले हैं, इंडिया पाकिस्तान। हाँ इंडिया पाकिस्तान, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आप लोगों को ऐसे कुछ वीडियो चाहिए, तो हम लोग इंडिया पाकिस्तान के सेम लाइव स्क्रीनिंग देखने के लिए जाएंगे कहीं ना कहीं पक्का, अगर आप लोग कमेंट करेंगे। दो चीजें कमेंट कर दो, इंडिया पाकिस्तान और भाई मैच, हमारा जो मैच है साथ में मैच खेले हम सारे एक ही ब्लॉग में सारे। ओ डेफिनेटली आज भी बहुत ज्यादा मजा आया हमें, और भी भाइयों से मिला करेंगे और मैचेस भी खेलेंगे, फर्स्ट टाइम बहुत सारी चीज एक्सपीरियंस होगी, स्टेडियम में पहला मैच देख ला, पहली बार अंकित भाई से मिल लिए, बहुत अच्छा लगा भाई। nice, nice. नमन भाई से मिल लिए, अनुज भाई से मिल लिए, और आगे मिलते रहेंगे। और आप यश भाई से तो रोज मिलते हैं, ये लाइक कमेंट शेयर नहीं रुकने चाहिए, जिसको भी और कोलैब्स देखना है इस टाइप के भाई कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और क्रिकेट खेलते रहिए और खिलाते रहिए। ये भी टेस्ट में डल गया।